नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज दो तीन विषयों पे बात करनी है। एक तो सबसे पहला विषय है कि हमारे जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके अंदर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, तो उस पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो टोटल खर्चा है वो 937 करोड़ रुपये है। और आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि 937 करोड़ का लगभग आधा यानी 450 करोड़ रुपये उन्होंने जो तमाम खर्चे होते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट के उनकी बचत करके उन्होंने पूरा कर लिया, यानी 950 में से 450 रुपये बचत से जो बचत हुई है, जो खर्चे रोके गए हैं उनसे पूरा होगा। और उन्होंने उसकी डिटेल भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपये के फूल लगते थे, रोज़ाना फूल बदलते थे अफसरों के कमरों में या गैलरी में, तमाम जो मीरा कुमार के समय ये प्रथा शुरू हुई थी तो वो उन्होंने बंद की है। और इसी तरह से उन्होंने और भी खर्चे रोके हैं, तो इनसे एक साल में करीबन 1.25 करोड़ रुपया और दूसरे साल लगभग 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने बचत से ऐसे बचाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो नई पार्लियामेंट होगी वो नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगा, जब इस देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तो नया जो सेशन होगा वो नई बिल्डिंग में होगा। और नई बिल्डिंग का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा था क्योंकि टाटा उसे बना रही है, लगभग आप कह सकते हैं कि 27 दिन आगे था। अगर कोरोना नहीं होता तो काम, उसका जो लक्ष्य था उसे 27 दिन आगे चल रहा था। तो आज उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण चूँकि लॉकडाउन हुआ, कुछ दिन काम नहीं हो रहा, तो 16 दिन की उसमें डिले हो गया, यानी वो अपने लक्ष्य से 16 दिन पीछे है। लेकिन जिस तरह से टाटा काम कर रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो ऐसा लगता है कि वो 16 दिन कवर कर लेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि चूँकि उनके 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में वाकई जो संसद में काम हुआ है, जो उन्होंने कंपेयर किया है 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, ये 17 लोकसभा है, तो इसके जो 2 साल हुए हैं यानी कह सकते हैं 4 सेशन हुए हैं अभी तक, 4-5 सेशन हुए हैं, तो उनमें सबसे अच्छा काम हुआ है। अगर आप कंपेयर करें तो एक साल में संसद का सत्र लगभग 100 दिन का होता था, कभी 80 दिन का, कभी 100 दिन का, तो इनके टेन्योर में एवरेज 110 दिन, 100 से 110 दिन और 112 दिन तक सदन चला है। ये भी बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि हाउस बहुत अच्छा चला, काम के जो परसेंटेज है वो 122% ज़्यादा काम हुआ है पिछले जो लोकसभा अध्यक्ष से इससे पहले, तो उसके हिसाब से भी अब देखें तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और आज जो एक सवाल था कि चिराग पासवान की पार्टी जो पारसनाथ, ये पशुपतिनाथ पारस हैं, उनको इमीडिएट उन्होंने चिट्ठी लिखी और आपने उनको मान्यता दे दी, जबकि जो अध्यक्ष हैं पार्टी के उनको पूछना चाहिए था, तो उनका कहना था कि चूँकि ये जो अगर वो 6 सांसद हैं, 6 में से 5 लोग अगर मुझे चिट्ठी लिखते हैं और उसमें मुख्य सचिव लिखता है तो फिर हमें किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मुख्य सचिव ऑथराइज होता है चिट्ठी लिखने के लिए। और अभी चिराग पासवान ने भी उनको चिट्ठी लिखी है और कहा कि इस पे अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें क्योंकि अध्यक्ष वही हैं, तो उन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि ये निर्णय चूँकि उन्होंने लिया है और कानून के तहत लिया है, जो संसद की नियमावली है उसके तहत लिया है, तो आप कह सकते हैं कि पासवान को इसमें राहत नहीं मिलने वाली है। ये जो उनको राहत मिलेगी, अब इलेक्शन कमीशन जाके या उनको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब सिंबल का झगड़ा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा, वो पासवान के पास रहता है या पशुपतिनाथ पारस के पास रहता है। चूँकि आज जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है पटना में पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में, उसमें बताते हैं कि केवल 9 मेंबर ही आए, तो इसका मतलब ये कि वो भी सुरक्षित नहीं है। और अभी चिराग पासवान ने भी दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक बुला दी है तो वो भी तय होगा। और एक सांसद जो अरुण कुमार हैं, जेडीयू के सांसद रहे हैं, उन्होंने आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि चूँकि चिराग पासवान युवा हैं, अभी अनुभव की उनमें कमी ज़रूर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ उनकी पार्टी में इस तरह से टूट हुई तो फिर उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा, तो उनकी राजनीतिक करियर को बचाने की उन्होंने
मांग की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री से। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज एक पत्रकार ने पूछा कि चिराग पासवान का तो आपने तुरंत साइन कर दिए और पशुपतिनाथ पारस को आपने मान्यता दे दी, लेकिन शारदा घोटाले में जिसमें तृणमूल कांग्रेस के करीबन 5 सांसदों के खिलाफ CBI ने एक्शन लेने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आपसे परमिशन मांगी है और 25 महीने हो गए हैं, तो वो परमिशन इतना डिले क्यों हुआ, क्यों नहीं दी जा रही है? तो उनका कहना था कि ये मामला उनके पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन उनके समय का है और उसमें कुछ कानूनी अड़चन है, इसलिए वो उसमें फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और अगर वो फैसला लेते हैं तो फिर जो CBI है उनको सांसदों को अरेस्ट कर सकती है या उनके खिलाफ जो मुकदमा चलाना होगा चला सकती है। हालांकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, जैसे संदीप उपाध्याय को अरेस्ट किया जा चुका है और भी जो 2-3 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के उनको अरेस्ट करके आजकल वो बेल पर हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसकी कानूनी जांच होनी चाहिए और इनकी कानूनी पहलुओं की व्याख्या ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इतना डिले क्यों हुआ है? 25 महीने बहुत होते हैं। अगर करप्शन के आरोप हैं जो नारदा और शारदा घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा, तो उस घोटाले की अगर जांच हो रही है, चाहे CBI कर रही है, चाहे स्टेट कर रही है, कोई भी एजेंसी करे, उसमें जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच तो ज़रूरी है। तो ये इस तरह से उन्होंने अपने जो उनका टेन्योर है उस टेन्योर के बारे में उन्होंने आज पत्रकारों को बताया, और इस सिलसिले में कुछ पत्रकारों को वो उन्होंने साक्षात्कार भी दिए हैं। और लेकिन एक जो सबसे कह सकते हैं एक मुद्दा है कि इस बार जो मानसून सेशन होगा वो कब से होगा, तो एक बात उन्होंने कही कि मानसून सेशन तो ज़रूर होगा, वो कब से होगा ये सरकार तय करेगी, और क्या ये सेशन वैसे ही होगा जैसे कोरोना काल में था, यानी लोकसभा शाम को और राज्यसभा सुबह, और दोनों सदन के लोग दोनों सदनों में बैठे, यानी राज्यसभा के लोग दोनों सदनों में बैठे और लोकसभा के लोग भी दोनों सदनों में बैठे। लेकिन उसके बाद पिछले बार जो सेशन हुआ था उसमें अपने अपने सदनों में बैठना शुरू हो गया था और कार्यवाही भी सुबह जो 11 बजे से होती है वो शुरू हो गई। तो इस बार वो कहते हैं कि अभी जैसे दूसरी लहर का जो संक्रमण था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये और कम होगा, तो उसके बाद हो सकता है कि ये जो सेशन है ये सेशन और भी अच्छे चले, और हो सकता है कि अपने अपने सदनों में ही सदस्य बैठे। और पत्रकारों की भी शिकायत थी कि उनके पास रिन्यू नहीं हुए हैं, ये पहला मौका है कि इतने सालों बाद लोकसभा में पत्रकारों के जो परमानेंट पास होते हैं वो रिन्यू नहीं हुए, तो ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि संक्रमण जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर हम उस पर शुरू कर देंगे, पास बनाना शुरू कर देंगे और लोग पत्रकारों की एंट्री भी हो जाएगी, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है और अगर संसद में पत्रकार नहीं गए तो फिर वो संसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि संसद केवल सांसदों से नहीं बनता है, पत्रकारों से भी बनता है, चौथे खंभे से भी बनता है। हमारे सांसद अंदर क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए, और उन जो भी वो अच्छा करें बुरा करें, उनका व्यवहार अच्छा हो चाहे अभद्र व्यवहार हो, उन सबकी रिपोर्टिंग पत्रकार करते हैं, तो उनको अनुमति होनी चाहिए संसद में जाने की। और ये उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ने इस बारे में आश्वासन दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अगला जो सत्र होगा वो बहुत शांति से होगा, बहुत अच्छे से होगा, फ्रूटफुल होगा, इस देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, और जो भी सरकारी बिल होंगे, जो विधेयक पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्दी से पास हो जाएंगे। और चूँकि जैसे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके समय ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ है, 122% ज़्यादा काम हुआ है, तो इस बार ये भी हो सकता है कि इस बार भी सत्र बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा काम हो। तो मित्रों आज सिर्फ संसद पे ही बात होनी थी, हो गई, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।